बायो मॉलिक्यूल्स। हमारे प्लानट पे ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि यूनी सेलुलर होते हैं यानी कि एक सिंगल सेल के, या मल्टी सेलुलर होते हैं यानी जिनके बहुत सारे सेल हैं। हमें ये भी पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम का सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। ये सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर कई सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं हम लोग, बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स क्या है? बायोमोलॉजिकल केमिस्ट्री है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो चेंजेस होते हैं प्लांट एंड माइक्रोबियल उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। ये बताती है कि क्या इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने इनहेरिट किया है और किस तरह की बीमारियाँ एनिमल्स और प्लांट्स में हो सकती है। केमिकल एनालिसिस आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करोगे तो आपको सबसे बेसिक कॉमन एलिमेंट जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और बाकी सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि लिविंग टिश्यू के अंदर होता है। केमिकली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तीन टाइप के माइक्रो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। एक है पॉलीमर्स जो कि अलग अलग मोनोमर्स को ऐड होकर बनते हैं। एक है पॉलीसैकेराइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। एक है पॉलीपेप्टाइड्स जो कि प्रोटीन से बनते हैं। और एक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लिक एसिड से होते हैं। पॉलीमर्स जो होते हैं मोनोसैकेराइड के एमिनो एसिड के और न्यूक्लियोटाइड के, यानी मोनोमर्स के मल्टीपल ये बहुत सारे मोनोमर्स का चेन जुड़ के एक पॉलीमर बनता है। लिपिड्स जो होते हैं पानी में पिघलते नहीं है और उनका मॉलिकुलर वेट कम होता है कम्पेयर टू माइक्रो मॉलिक्यूल बाकी के माइक्रो मॉलिक्यूल से कम्पेयर। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड्स। ये क्या होते हैं? ये ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बेसिक तीन एलिमेंट से बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CH2O1। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशियो की तरह होता है जैसा पानी की तरह, यानी 2:1। कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। बायो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपका एक टेबल दिया हुआ है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। माइक्रो में पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। माइक्रो में लिपिड्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पॉलीसैकेराइड्स में सिंपल शुगर, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। लिपिड्स में फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल। फैटी एसिड में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में अल्कलॉइड्स, फिनोलाइड्स, टर्पेनोलाइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन और लिपिड्स हैं। इनऑर्गेनिक में जो यानी जो चीज़ कार्बन बेस्ड नहीं है उसमें जो चीज़ लिविंग बेस्ड नहीं है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कि एयर या वाटर में है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और आयरन, क्लोराइन, जिंक, कॉपर, आयरन, सोडियम, मॉलिब्डेनम, निकल, सिलिकॉन और कोबाल्ट जो कि बहुत ही कम हिस्से में पाए जाते हैं। ये टेबल को ध्यान से देखेंगे, कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन? कार्बोहाइड्रेट्स में तीन तरह से डिवाइडेड है, मोनोसैकेराइड जो कि सिंपल शुगर है जिसमें ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस होता है। ट्राइसैकेराइड जिसमें दो मोनोसैकेराइड्स हैं जैसे सुक्रोज, केन शुगर, लैक्टोस मिल्क शुगर और माल्टोस माल्ट शुगर। और पोलोसैकेराइड्स है जिसमें होमो पॉलीसैकेराइड्स यानी कि मोनोसैकेराइड्स का एक पॉलीमर, स्टार्च यानी कि प्लांट स्टोरेज का मॉलिक्यूल और सेलुलोज यानी सेल वॉल जिससे बनता है, ग्लाइकोजन यानी कि एनिमल स्टोरेज का मॉलिक्यूल और हेट्रोकैलीसैकेराइड्स जिसमें कई सारे मोनोसैकेराइड्स का पॉलीमर अवेलेबल है, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स को रीड करें, these are the simplest sugar having functional structures protein and sugar in water. They cannot be further hydrolyzed in smaller molecules. They are the building blocks and monomers of complex carbohydrates. They have the general molecular formula CH2O, where N can be 3, 4, 5, 6 and 7. They can be classified as trios, terose, pentose, etc. According to the number of carbohydrate molecules as mentioned in the table 6.2, monosaccharides containing the aldehyde minus CHO group are classified as aldose, example glucose, glucose, and those with OH, H, O, CH2, OH, H, OH, and OH, H, OH, H. By the way, those with the ketone, sir. You see the diagram, I brought over. Those with the ketone CO group. Minus C. अबे माइनस सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो ग्लूकोन इज राइट एज कीटोस एग्जांपल राइबो वाशर माना कीटोन हां तो वही है ना हां ए ग्लूकोस इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फ्यूल ऑफ पिया मैं तू है बे ग्लूकोस दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फ्यूल इन लिविंग सेल्स इट कंसंट्रेशन इन द ह्यूमन ब्लड इज अबाउट 90 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड।
small size and the availability of water, water, molecules are all going to pass through the cell membrane into the cell. Energy released when the molecules are metabolized by cellular respiration. Respiration. Fiber. Galactose. It looks very simple. It looks very similar to glucose molecules. They can also exist in alpha and beta form. Galactose react with glucose to form this saccharide lactose. However, glucose and galactose cannot be easily converted into one another. Galactose cannot play the same role in respiration as glucose. Galactose. It is a fruit sugar and chemically it is keto exhaust. But it has keto exhaust. But it has a 5-atom ring rather than a 6-atom ring. Fructose react with glucose to form the sucrose. Disaccharide. तभी बताया था ना मोनोसैकेराइड जिसमें सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल है, डाइसैकेराइड में से दो है और मल्टीपल सैकेराइड जिसमें बहुत सारे हैं। इससे पैसा खर्च करा मेरा उत्तर याद तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, सिंपल शुगर होता है जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, स्वीट टेस्ट के ऊपर क्रिएट करते हैं और ये पानी में पिघल जाते हैं। ये और ज्यादा पानी में मिल नहीं सकते जितना है, ये ऑलरेडी उसी तरह से हाइड्रोलाइज है, मतलब ये तुरंत पानी में पिघलने के लिए रेडी है। इससे ज्यादा और इनको हाइड्रोलाइज करना पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोलाइज मतलब पानी में पिघलने के लायक बनाना, ठीक है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है या मोनोमर है जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH2O। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? CH2O मल्टीप्लाइड बाय N, यानी कि इसमें कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 8 मल्टीप्लाइड बाय N, जैसे कि C6H12O6 क्या है ग्लूकोज, उसी तरह के इसके फॉर्मूला हमेशा होंगे। इनका ये सब का इसका बेस क्या है? CH2O मल्टीप्लाइड बाय N। क्या समझा नहीं समझा? अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 12। और ऑक्सीजन कितना होगा? अगर कार्बन 15 है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना होगा? 30। और ऑक्सीजन कितना होगा? ये हमेशा उसी लॉजिक से चलते हैं। यही कारण है कि शुगर का फॉर्मूला है C11H22O। याद है? नहीं है? बेसिक शुगर का फॉर्मूला याद है ना? तो वो क्या हो गया? मोनोसैकेराइड। क्या हो गया? वेरी गुड गाइस, इनको हम ट्रायोस ट्रेप्टोस पेंटोस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स या तो एल्डिहाइड होते हैं CHO ग्रुप के, जैसे कि हाइड्रोजन ग्लूकोज साइक्लोज और दूसरे जो कीटोन ग्रुप के होते हैं। आप लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन लास्ट ईयर पढ़े हैं स्कूल में। एल्डिहाइड क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन का, जिसमें क्या ऐड होता है? एल्डिहाइड में क्या ऐड होता है? CHO लिखा हुआ यहाँ पे। और कीटोन में क्या ऐड होता है? CO। याद है? नहीं है? हाँ, इथेनॉन प्रोपेनॉन बेटोनॉन पढ़े थे ना, वो बेसिक हाइड्रोकार्बन थे। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड्स है। बट अगेन द लॉजिक वही है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। और क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं जो कि एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड में भी ऑक्सीजन है और कीटोन में भी ऑक्सीजन है, यानी कि ये एल्डिहाइड और कीटोन क्या लेके आते हैं कार्बन हाइड्रोकार्बन में? एल्डिहाइड और कीटोन क्या लेके आते हैं हाइड्रोकार्बन में? ऑक्सीजन लेके आते हैं। अरे जड़ बुद्धि इंसान हो यार, यूज योर फ्रिकिंग ब्रेन्स। कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, फंक्शनल ग्रुप क्या ऐड करता है? अच्छा एक बात बताओ, कीटोन एल्डिहाइड अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? ये सब ऑक्सीजन है। लास्ट की बुक खोलू, सबसे ऊपर क्या लिखा था? हेलोजन ब्रोमो क्लोरो आइडो। उसके नीचे क्या लिखा था? ऑक्सीजन अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन एल्डिहाइड ईथर एस्टर। उसके नीचे क्या लिखा था? नाइट्रोजन अमाइन। क्या हो गया, भूल गए? छह घंटे के लेक्चर लिए थे, इसका छोड़ दोनों तो बैठे थे ना, नाले तीन तू भी बैठा था ना, याद आ रहा कि नहीं आ रहा? That's what I don't like here.
किया गया है ऑक्सीजन के मल्टीपल ऑप्शन से जो हाइड्रोकार्बन में ऐड होते हैं। ऑक्सीजन के क्या क्या है, एल्कोहल है, ओएल ऐड होता है। एल्कोहल के बाद क्या था, एल्डिहाइड था CHO। एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड के बाद क्या था, कीटोन था CO। कीटोन के बाद क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। याद आ रहा है, तो ये क्या ऐड करता है हाइड्रोकार्बन में, ये ऐड करता है ऑक्सीजन और इसे क्या बनता है, मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, इसमें ग्लूकोज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल है हमारी लिविंग सेल्स के लिए। ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, इसके लिए हर सेल में से ट्रैवल कर पाता है और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप लोग को चक्कर आएगा तो क्या खिलाते हैं, ग्लूकोज का पाउडर सीधा मुंह में डाल देते हैं या पानी में मिला के पिला देते हैं, है ना, व्हाटएवर, सीधा भी खिला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी तुरंत दे देगा, वो ये अपनी बॉडी के हर सेल में वो तुरंत के तुरंत परमिएबल है, बिकॉज इज इजीली सॉल्युबल। आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट के पानी पिए हैं, वो सब सर सबका बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। आप लोगों ने कभी शक्कर के डब्बे से 2-3 चम्मच शक्कर खाया, अच्छा लगता है खाने के बाद, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक बेसिक मोनोसैकेराइड है जो ब्रेन को तुरंत के तुरंत एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं गैलेक्टोज, जो कि ग्लूकोज जैसे होते हैं लेकिन डाइसैकेराइड होते हैं। गैलेक्टोज वापस ग्लूकोज नहीं बन सकता, ग्लूकोज वापस गैलेक्टोज नहीं बन सकता। उसके बाद आता है फ्रुक्टोज, जो कि फ्रूट शुगर है, जो कि एक तरह का यही देता है, जैसे अभी आप लोग लॉलीपॉप चाटते हैं तो अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, यानी कि फ्रूट शुगर। आप लोगों ने कभी वो फ्रूट सलाद खाया, फ्रूट सलाद अच्छा लगता है खाने को, क्योंकि उसके अंदर फ्रूट शुगर होता है जो कि आपको हाई देता है, ठीक है। ये हो गया मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड रेयर होते हैं, जो मोस्टली जो शुगर नेचर में मिलता है वो डाइसैकेराइड होता है, और उसको बाद में फिर रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके मोनोसैकेराइड बनाया जाता है। शुगर लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन नहीं होता। लैक्टोज और माल्टोज क्या, रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि वो बीटा फॉर्म में होते हैं और बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज बनते हैं। डाइसैकेराइड्स पानी में पिघलते हैं लेकिन बहुत बड़े होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में नहीं जा सकते, इसके लिए वो डाइजेशन के थ्रू ही जाते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इनको तोड़ के मोनोसैकेराइड बनाता है। तो डाइसैकेराइड प्लस वाटर विल गिव यू मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड। दिख रहा है C12H22O11, सबको दिख रहा है, व्हाट इज C12H22O11, इट इज सुक्रोज लाइक शुगर, वेरी क्लोज टू शुगर बट नॉट शुगर इंटैक्ट, ठीक है। तो सुक्रोज प्लस वाटर विल गिव यू व्हाट, मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड। C6H12O6 क्या है, C6H12O6 क्या है, मैंने C6H12O6 क्या है बेटा, अभी बताया था 15 बार सुजीत, C6H12O6 क्या है, दिस वेरी गुड, C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज, मैंने बोल क्या है, ग्लूकोज, वेरी गुड। मोनोसैकेराइड एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है, मगर ये सेल को तुरंत वो एनर्जी रिलीज करने में हेल्प, बट अगर किसी सेल को तुरंत एनर्जी रिलीज करने में मदद नहीं चाहिए तो मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड से कन्वर्ट करके उसको कंडेंस करके स्टोर करने में हेल्प करता है वो, ठीक है। कोई सवाल, हाइड्रोलाइसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, हमारे बॉडी में हमेशा पानी प्रेजेंट है ऑब्वियसली। आप लोगों ने कभी कॉम्प्लेक्स शुगर खाया ही होगा, सीरियल्स खाया, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीठा होता है, नहीं होता है, शुगर डालते हैं ना ऐड करते हैं, पहले सिंपल होता है लेकिन एक्चुअली उसके अंदर डाइसैकेराइड प्रेजेंट होता है, जो कि शुगर पानी के साथ दूध के साथ मिक्स करने के बाद जब आप खाते हो तो पेट में आने के बाद शुगर में कन्वर्ट होता है। इसके लिए सीरियल्स खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, सुबह सुबह उठ के एक बाउल सीरियल खाओगे तो आपको दिन काफ़ी देर तक के लिए एनर्जी अवेलेबल होती है। बनाना खाया है, बनाना खाते ही एनर्जी आती है, आती है नहीं आती है, कभी नोटिस नहीं किया, नहीं कभी आप, कभी आप समझो आपको भागना भागना है, आप दो बनाना खाते भागो आप ज़्यादा अच्छे से भागोगे, क्योंकि बनाना इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने स्पोर्ट्समैन को देखा, क्रिकेट विकेट खेलते रहे चक्कर चक्कर आ जाता है कभी कभी प्लेयर्स को, उनको इलेक्ट्रोल लेके जाते हैं, गैटोरेट लेके जाते हैं जिसमें कैरेट का जूस और पानी मिक्स होता है, और साथ में दो बनाना लेके जाएंगे, दो बनाना खाएगा एक गैटोरेट पिएगा और बंदा छक्का मारेगा, देखा है कभी नहीं देखा है, क्रिकेट में खाली हम लोग जाते लड़की हैं देखते हो। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, मोनोसैकेराइड जो है वो एक सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं जिसमें एक यूनिट और दूसरे यूनिट जुड़ता जाता है तब तक एक पॉलीसैकेराइड फॉर्म होता है, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन आपने लास्ट ईयर कार्बन एंड कंपाउंड्स में भी पढ़ा था,
हाँ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पीवीसी के कई सारे मोनोमर जुड़ के एक पॉलीमर चेन बनाते हैं, जैसे आपकी थैलियाँ बनती हैं, आपके प्लास्टिक कवर्स बनते हैं, ये सब क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं ना, हाँ होते कि नहीं होते हैं। ये जो आपका ये मेटल है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये पॉलीमर है, हाँ पॉलीमर है ना, आपका फ्लेक्स बोर्ड पॉलीमर का बनता है। पॉलीमर क्या होता है, जहाँ पे कई सारे मोनोमर जुड़ के एक पॉलीमर क्रिएट करते हैं। कोई डाउट? पॉलीसेकेराइड्स भी हैं, उनको हाइड्रोलिसिस से ब्रेक करके आप मोनोसेकेराइड बना सकते हो। किसी भी पॉलीसेकेराइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके वो डिपेंड करता है उसके ब्रांच पे, फोल्डिंग पे और उसके कॉइलिंग पे। फोल्डिंग और कॉइलिंग क्या होती है, अभी इमेजिन करो ये मेरा हाथ है, ये अलग अलग मोनोमर में बना हुआ है, अब ये हाथ जो है ये हाथ जो दूसरा मोनोमर में बना हुआ है, जब ये ऐसे आप पकड़ के इसको फोल्ड करते हो तो ये इसका फोल्डिंग, या फिर अगर आप उसको कॉइल करते हो तो ये इसका कॉइलिंग है। यानी कि आप मल्टीपल पॉलीमर्स को किस तरह से अरेंज कर रहे हो, उससे उसका फोल्डिंग और कॉइलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मोनो रिलीज होगा। देखो एक चीज समझो, पॉलीमर्स मजबूत भी होते हैं और पॉलीमर्स वीक भी होते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर किस तरह से सेट किया गया है। समझ में आ रहा है? स्टार्च suspension in hot water. Amylopectin is a branch polymer of alpha glucose. It is completely insoluble in water. Glycogen, it is amylopectin with very short distances between the branching side chains. Glycogen is stored in animal body, particularly in liver and muscles, from where it is hydrolyzed as per need to produce glucose. See cellulose, it is a polymer made from beta glucose molecules, and the polymer molecules are straight. Cellulose serves to form the cell walls in plant cells. These are much tougher than cell membranes. This toughness is due to the arrangement of glucose units in the polymer chain and the hydrogen bonding between neighboring chains. ठीक है? तो तीन एग्जांपल दिया है पॉलीमर का, यानी पॉलीसेकेराइड्स का। पहला है स्टार्च, आप लोगों ने फ्रेंच फ्राइज खाया? अगर घर में बनाना होता है तो फोटो जैसा बनता है, क्यों कुछ अलग नहीं रहता? आपको फोटो जैसा फ्रेंच फ्राइज खाना है तो मैं वजह बताता हूँ वो करना। अब आलू को कट करो, एक बॉल गर्म पानी लो, एक बॉल बर्फ का पानी लो, आलू को गर्म पानी में डालो, दो मिनट तब तकाओ, निकालो, ठंडे पानी में डालो, दो मिनट तब तकाओ, ऐसे दो तीन बोल रखो, तीन चार बार करो, आपका और पटेटो के ऊपर जितना स्टार्च है वो निकल जाएगा। लेस स्टार्ची पटेटो अच्छे फ्रेंच फ्राइज, क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाने में हेल्प करेगा। तो पानी जो होगा ना उसमें आपको ऊपर ऊपर कुछ दिखेगा, वो होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। मम्मी की कॉटन की साड़ी देखी है, धोने के बाद कड़क होके आती है, कभी देखा है? चावल के पानी में भिगोते हुए, हाँ ये तो मार्केट से स्टार्च आता है पैकेट में, देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा तो मम्मी को पूछना कि मम्मी कॉटन की साड़ी को कड़क कैसे करती है, तो बताएंगी कि मैं उसको मार्केट से स्टार्च खरीद के लाकर उसमें भिगोती हूँ। स्टार्च क्या करता है, उसको कड़क कर देता है। ये स्टार्च क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड। ये प्लांट्स में होता है, ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन, दोनों अल्फा ग्लूकोज है। एमिलोज अनब्रांच पॉलीमर है और एमिलोपेक्टिन ब्रांच पॉलीमर है। अनब्रांच ब्रांच आपको लास्ट ईयर से याद होगा, कार्बन कंपाउंड्स में कोई कोई ब्रांच होते थे, कोई कोई अनब्रांच होते थे। अनब्रांच मतलब स्ट्रेट चेन, ब्रांच मतलब जिसमें ब्रांच है। कोई फर्क है? नहीं, द ओनली डिफरेंस इज आइसोमर। क्या बोलते हैं उसको? आइसोमर। और ये जो है पानी में बिल्कुल नहीं पिघलते। ग्लाइकोजन, ये एमिलोपेक्टिन है जिसके पास ब्रांच साइड चेन है, ये एनिमल बॉडी में माया जाता है लीवर और मसल में, जहाँ से ये हाइड्रोलाइज किया जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। आप लोग खाना नहीं खा के मरोगे? क्यों नहीं मरोगे? बॉडी में फैट्स अवेलेबल है,
आपके लीवर हमें आपका लीवर भी हमेशा फैट स्टोर करता है, उसको बोलते हैं फैटी एसिड्स। क्या बोलते हैं? वो जो क्या होता है वो एक तरह का एमिलोज होता है जो कि ग्लाइकोजन रहता है, उसको पिघलाता है जरूरत पड़ने पर। अगर अभी मैं सुजीत को एक रूम में बंद करके एक हफ्ते तक लॉक कर दूँ, सुजीत की बॉडी का जितना भी फैट है वो एक हफ्ते तक पिघल के उसको जिंदा रखेगा। क्या वो परेशान होगा? हाँ। क्या वो तकलीफ में रहेगा? हाँ। लेकिन वो मरेगा नहीं अगर पानी का सोर्स हुआ तो। पानी का सोर्स नहीं हुआ तो डिहाइड्रेशन से 3 दिन में मर जाएगा। ट्राई करना है जब पानी का। तीसरा है सेलुलोज, ये एक पॉलीमर है जिसमें बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल और पॉलीमर मॉलिक्यूल सीधे वो रहते हैं। इनके जो सेलुलोज हैं ये सेल वॉल बनाते हैं प्लांट सेल्स में, और सेलुलोज जो है ये ग्लूकोज यूनिट्स को पॉलीमर चेन बना के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हेल्प करता है। सेलुलोज का सिंपल रूप में एक लॉजिक बताता हूँ। आप लोगों ने घी देखा है, घी पिघलता है, बट बिना पिघले हुए घी कैसा होता है? सॉलिड होता है। उसके सामने आपने ऑयल देखा है, ऑयल किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। ऑयल को सेल्युलोज नहीं होता इसलिए वो लिक्विड होता है, घी में सेल्युलोज होता है इसके लिए वो सॉलिड होता है। सेल्युलोज क्या होता है? एक तरह का प्लांट सेल वॉल होता है या एनिमल सेल वॉल होता है जो कि इंश्योर करता है कि सेल अपने वॉल के अंदर रहे। ये सेल्युलोज आपकी बॉडी में जाके आपके फैट्स को भी टाइट कर देता है क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट होता है। क्या होता है? सैचुरेटेड फैट। ये एकदम रिजिड होता है, ये पिघलता नहीं है, इसलिए अगर आपकी बॉडी का फैट सैचुरेटेड हो गया तो आप पतले नहीं हो पाओगे। कुछ लोग आपने देखा होगा कितना भी खाए मोटे नहीं होते, और कुछ लोग जो थोड़ा भी खाए तो बहुत मोटे हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनका उनका मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट है। उनके एमिलोइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स जो है उस तरह से स्लो या फास्ट काम करते हैं। अब जैसे मैं थोड़ा भी खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, तो मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं है, मल्टीपॉलिज्म है मेरे पास। बट वही कोई बहुत से लोग बहुत कम खाते हैं वो कभी भी और बहुत ज़्यादा खाते हैं तो मोटे नहीं होते क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म उतना हाई है, यानी कि उनके बॉडी में जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं सेलुलर्स हैं वो फटाक से पिघल जा रहे हैं और दूसरे की बॉडी में नहीं हो रहे। सिंपल इनफ। आज के लिए इतना काफ़ी, अगला लेक्चर करेंगे।